मध्य प्रदेश में जहां नेता अपने विभागों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ब्यूरोक्रेट्स एसी कमरों में बैठकर ग्राउंड जीरो के लिए योजना बना रहे हैं। ऐसी ही एक योजना बनाई है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने, जिसके तहत 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को रोजाना अपने स्कूल के 5 बच्चों के घरों तक पहुंचना है। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें घर जाकर उनके बड़े भाई बहन को वॉलंटियर के तौर पर तैनात करना है, ताकि वो बच्चों को घर में ही पढ़ाएं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की यह योजना ग्राउंड पर कितनी कारगर साबित हो रही है, ये जानने के लिए दैनिक भास्कर ने राज्य शिक्षा केंद्र के दफ्तर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बाग मुगलिया नई बस्ती के शासकीय माध्यमिक शाला के आसपास के एरिया का जायजा लिया। हेडमास्टर प्रभाकर चौधरी और सभी टीचर्स सुबह 10 बजे से पहले ही स्कूल पहुंच गए थे। इसके बाद यहां एरिया के बारे में चर्चा हुई और सभी टीचर्स बच्चों के घरों की ओर निकल पड़े। टीचर ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो पता चला बच्चा कुछ हफ्तों पहले ही अपने रिश्तेदारों के घर गया हुआ है। इसके बाद हम तीसरी क्लास में पढ़ने वाली दीक्षा कामरे के घर पहुंचे। माँ ने बच्ची को मास्क पहनकर आने को कहा। दीक्षा के घर में मोबाइल था तो टीचर्स ने पढ़ाई के बाद होमवर्क का फोटो ग्रुप पर भेजने को कहा। टीचर्स और हेडमास्टर ने बच्ची की माँ को और क्या समझाया, आप खुद ही सुनिए। पढ़ाई का पढ़ाई जो आपने तय किया कि बच्चा यहाँ बैठ कर पढ़ेगा, भले एक कमरा दो कमरे की बात नहीं, ये तय कर दो और इस समय में उनको कोई भी काम नहीं बोल रहा है, उसे पढ़ेंगे। टीचर्स की एक टीम बस्ती में ही रहने वाले यश चौरे के घर पहुंची। यहाँ उन्होंने यश की माँ को बताया कि जिस तरह स्कूल में घंटी बजती है, वैसे ही ठीक सुबह 10 बजे आपको भी थाली बजाकर बच्चे को पढ़ने के लिए कहना है। इसके बाद यश ने बताया कि उसे घर में पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आ रहा है। पढ़ाई घर में बैठ के कर रहे, ऐसे पढ़ लेते, कहानी आनी पढ़ लेते और पढ़ाई वाले कर लेते, टीचर जी देती तो। अब छोटा कमरा है तो अलग से रूम नहीं है ना। यश के घर से टीचर्स एक दूसरे बच्चे के घर पहुंचे तो पता चला मम्मी पापा काम पर गए हैं और बच्चा अकेला है। टाइम मालूम है ना, 10 से 1 तक पढ़ना है अपन को। हाँ। वो जो होमवर्क देते हैं वो करना है। हाँ। वो शाम को 4 से 5 भी करना है और शाम को तो ये अकेला रहता। दादा दादी नानी वगैरह कोई है तुम्हारे? कोई भी नहीं है। बच्चे ने बताया कि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है जब घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो कहानी कौन सुनाएगा। योजना तो बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि बच्चे जो है लंबे समय तक अगर पढ़ाई से दूर रहेंगे तो वो फिर भूल जाएंगे सब और पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। हमें तो बच्चों को पढ़ाना है, भय से काम नहीं चलेगा, हमें पढ़ाना है और सब टीचर्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय को लेकर कुछ टीचर्स में उत्साह है तो कुछ को बच्चों तक पहुँचने और उनके परिजनों को समझाने में काफी परेशान होना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी के पास एंड्राइड फोन नहीं है, किसी के पास नेट नहीं है। पेरेंट्स उनके क्या कर रहे हैं कि मजदूरी में करने चले जाते हैं तो वो मोबाइल साथ में ले जाते हैं। अब बच्चे अगर होमवर्क कर भी लेते हैं तो भी क्या कहते हैं वो अपना होमवर्क हम लोगों को सेंड नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में राज्य शिक्षा केंद्र को इस अभियान की समीक्षा कर इसमें टीचर्स को जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर करना चाहिए, तभी जाकर राज्य शिक्षा केंद्र का ये अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय सही मायने में सार्थक होगा।